हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको 8 पॉइंट से बहुत ही आसान तरीके से महाशिवरात्रि पर बहुत ही खूबसूरत सा रंगोली बनाना सिखाएंगे। आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे आप जो है पहले तो 1 पॉइंट आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो आप उठा लीजिए दोस्तों, और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। 1 2 3 आप ऐसे सेम डिस्टेंस पे जो है 3 पॉइंट लगा दीजिएगा। 3 पॉइंट लगाने के बाद जो बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, इस गैप से एक सीध में 1 पॉइंट आपको यहाँ पर लगाना होगा, 1 पॉइंट आप यहाँ पर लगा देंगे। फिर यही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी, जैसे हम ऊपर की तरफ किए थे, सेम प्रोसेस आपको नीचे की साइड में भी ऐसे 3 पॉइंट लगाने होंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर जो है 8 पॉइंट हो गया। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान शिव जी की जय जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग या कोई और रंगोली बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग रंगोली बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। अब आप आ जाइएगा बीच वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट से आपको करना क्या होगा, इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक हम ऐसे सीधे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर आप इसको फर्श पे बना रहे हैं तो आप चौक की हेल्प से पहले बनाइएगा, फिर हम उस जो हमारे बीच में गैप बनेगा उस गैप में जो है आप अलग अलग कलर से इसको फिल भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, यहाँ से आप ऊपर की तरफ इस पॉइंट को मिलाइएगा, सेम प्रोसेस आपको नीचे की तरफ भी ऐसे करना होगा। इस पॉइंट को हम मिला देंगे, अब जैसे हमने इस साइड किया है इसी तरह जो है आपको दूसरे वाले साइड में भी करना होगा, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट के फिर नीचे वाले पॉइंट को मिला देना होगा। फिर देखिएगा, बीच में आपको पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट से आप एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, सेम प्रोसेस आप नीचे की तरफ भी ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद अब आपको करना क्या है, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बीच में आप ऐसे एक हाफ सर्किल ड्रॉ कर देंगे। हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से जो है आपको करना क्या है, एक लीव्स, बड़ी सी जो है लीव्स ड्रॉ करना होगा। एक लीव्स आप यहाँ पे बना दीजिएगा, फिर इसके बाद जस्ट इसी के बगल से जो है एक लीव्स आप यहाँ पे बना देंगे। नीचे के साइड में जो है हमारा लोटस का फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से लोटस का फ्लावर बनके तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जो है एक बड़ा सा जो है आप यू लिख देंगे। यू लिखने के बाद बीच में जो है छोटा सा हाफ सर्किल, फिर इसको डबल कर दीजिएगा, यहाँ पर आप ऐसे 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये भगवान शिव जी का शिवलिंग बन जाएगा। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ाने के बाद यहाँ पे ऐसे एक हाफ सर्किल, एक हाफ सर्किल इस साइड बना दीजिएगा। फिर आपको करना क्या है, अंदर की तरफ 3 लिखना है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ से 3 लिखिएगा। सेम प्रोसेस जो है आप यहाँ पे भी ऐसे रिपीट कर देंगे। फिर इस दियली के आगे जो है यहाँ पे आप ऐसे चाहें तो दियली भी रख सकते हैं, या आप दियली का पूरा ये जो हम डिज़ाइन बनाए हैं इसको भी बना सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इस पॉइंट से जो है अंदर की तरफ आपको ऐसे ये डिज़ाइन बनाना होगा, फिर सेम डिज़ाइन आप इस साइड में बना देंगे, फिर ऊपर की तरफ आप यहाँ पे घुमा दीजिएगा, यहाँ पे भी आप कर देंगे। यहाँ पे बीच में जो हमारा गैप बच रहा है इसकी हेल्प से हम एक लीव्स बना देंगे, एक लीव्स आप यहाँ पे भी ऐसे बना दीजिएगा। तो ये हमारा जो है शिवरात्रि पर बहुत ही आसान तरीके से भगवान शिव यानी भगवान शिव जी का रंगोली बन के तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।